सुल्तानपुर एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि अगर अखिलेश यादव बार बार मंगेश यादव की बात करते हैं तो उन्हें जवाब देना चाहिए कि मंगेश यादव सुल्तानपुर डकैती कांड में शामिल थे या नहीं। अगर वह शामिल थे तो यह एक अपराधी था। जब कोई अपराधी पुलिस पर गोली चलाता है तो वे अपराधियों पर फूल नहीं बरसाएंगे, लेकिन वह उसके बारे में बात नहीं कर रहे। मंगेश यादव है इसीलिए अखिलेश यादव उनके बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो मंगेश यादव की बात करते हैं अखिलेश जी, तो हमारा एक सवाल बार बार मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या मंगेश यादव सुल्तानपुर के घटना में इन्वॉल्व था कि नहीं था, इसका उत्तर वो क्यों नहीं देते? अगर वो घटना में इन्वॉल्व था तो वो अपराधी था, और अपराधी अगर गोली चलाएगा तो पुलिस उनको फूलों की वर्षा नहीं करेगी। पुलिस की तरफ से भी गोली चली है, एक पुलिस वाला घायल शैलेश राजभर हॉस्पिटल में अभी जूझ रहा है, उसकी चर्चा तो नहीं कर सकते, उसके परिवार को बुला के तो नहीं मिल सकते, लेकिन चूंकि वो यादव हैं, इस नाते वो यादव की बात कर रहे हैं कि यादव से मिल करके जो है पूरे प्रदेश में यादवों को संदेश खाली देना चाहते हैं कि यादव जो है हमारे साथ रहे, यादव जो है के साथ अन्याय हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए 67 मतलब 67 मुसलमान मारे गए, 67 जब मुसलमान मारे गए तो अखिलेश जी बेचारे नहीं बोले, किस मुसलमान के परिवार को बुला करके मिला उन्होंने लखनऊ में? 20 ब्राह्मण 18 राजपूत मारे गए, 24 पिछड़ा मारा गया जो अपराधी था एनकाउंटर में मारे गए, 24 अन्य मारे गए, दलित मारा गया, किस परिवार को बुला करके उन्होंने मुझसे मिला? ये क्या दिखता है? क्या ये जातिवाद नहीं है? अगर वो उनको कह रहे हैं तो मैं ये कहूँ।